जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। इस फिल्म में विवाद सिर्फ दीपिका पादुकोण की बोल्ड और एरोटिक अभिनय पर ही नहीं है। बेशर्म रंग गाने में दीपिका ने भगवा बिकनी में अश्लीलता की सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने फिल्म के आपत्तिजनक दृश्यों पर सख्त एतराज जताया है। गोविंद सिंह ने सेंसर बोर्ड को ऐसी फिल्म में रिलीज करने पर खरी खोटी सुनाई है। इतना अभद्र और गंदा चित्र, भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं कर। कांग्रेस में फिल्म को लेकर विरोधाभास है। नेता प्रतिपक्ष जहां फिल्म की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने फिल्म को बैन करने की चेतावनी पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को निशाने पर लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कितनी फुर्सत में है उसका ऐसे से अंदाज लग जाता है कि 1 बजे से 3 बजे तक वो शयन के बाद सुबह और रात तक सिर्फ पिक्चरें ही देखते हैं। जितना प्रतिरोध और प्रतिशोध वो फिल्म अभिनेताओं के साथ निकाल रहे हैं, उतना प्रदेश के गुंडों के साथ क्यों नहीं निकालते हैं, अपराधियों के साथ क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या वो फिल्म अभिनेता प्रतिरोध मंत्रालय के मंत्री हैं? लोग शाहरुख खान की पठान फिल्म के बायकॉट की बात कर रहे हैं। एक तरफ शाहरुख खान वैष्णो देवी जा रहे हैं, दूसरी तरफ फिल्म के ऐसे गाने और दृश्य विरोधियों को भड़का रहे हैं। पठान पहली फिल्म नहीं है जो राष्ट्रवादियों के निशाने पर रही है। राष्ट्रवादियों ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ जाने का आरोप लगाया है। पहले भी हिंदी फिल्मों और फिल्मकारों पर भारतीय धर्म परंपराओं से खिलवाड़ करने के आरोप लगते रहे हैं। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। निश्चित रूप से ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की फिल्मों पर विवाद हुआ है, लेकिन विवाद जब फिल्मों पर होता है तो समझना पड़ता है कि ये बीजेपी विरोध करे या हिंदूवादी नेता विरोध करें या तमाम लोग। कला संस्कृति अलग जगह है, क्या रंग किसी एक का हो सकता है जो मुग्ध मुग्धा है, जिस पर कि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं शायद भगवा रंग को बेशर्म कहा है उस फिल्म में, इतनी आपत्ति है। बाकी बोल्ड सीन तो इससे भी खतरनाक कई फिल्म होते हैं। इन सारे मुद्दों पर खैर चर्चा करेंगे हम लोग। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं तीनों मेहमानों का परिचय कराऊं। मनोज कुलकर्णी जी मेरे साथ है जो कला समीक्षक है, हिंदुस्तान की उन लोगों में नाम जो बहुत अच्छी पेंटिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार भी, कला समीक्षा बहुत शानदार करते हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही पुष्पेंद्र मिश्रा हैं। पुष्पेंद्र मिश्रा हिंदुत्व का ध्वज उठाए हुए लगातार उन सारे मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं जहां पर थोड़ी सी भी हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को समस्या होती है, जहां थोड़ा सा आपत्ति होती है। और साथ ही युवा फिल्म डायरेक्टर विजय तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मुंबई में काम करते हैं, और निश्चित रूप से विजय तिवारी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आखिरकार मुंबई में ऐसी फिल्में होती क्यों हैं। सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं मनोज जी आपके पास आऊंगा। ये जो पठान फिल्म है जिस पर कि पूरी हिंदुत्ववादी लोग आपत्ति कर रहे हैं, राष्ट्र सो कॉल्ड राष्ट्रवादी आपत्ति कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं संस्कृति का अपमान है, फला ढिकाना, आपको लगता है कि क्या जानबूझ के किया गया होगा पठान या किसी फिल्म में? मनोज जी नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अक्सर हम बहुत सारी चीजों को बहुत सीमित करके देखने लगते हैं। बिल्कुल सही। और जब हम जो हमारा संस्कृति है, राजनीति एक सांस्कृतिक मुद्दा है। अरे दरअसल संस्कृति एक व्यापक परिभाषा होती है, और भारत जैसे देश में जहाँ पर विविध किस्म के धर्म होते हैं, विविध किस्म की ये वेशभूषा है, हमारी संस्कृति इतनी मिली जुली और इतनी भिन्न है और इतनी पुरानी है, मुझे नहीं लगता कि किसी एक छोटे से गीत से या किसी दृश्य से या किसी इस किस्म की, अगर वो अपने आप होती है या जानबूझ करके भी अगर किसी ने की, अगर एक क्षण को हम मान ले, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी संस्कृति आहत होती है। फिर जैसे कि आप अभी एक सवाल उठा रहे थे कि जैसे किसी किसी चीज को, यानी किसी प्रतीक को या किसी रंग को या किसी तौर तरीके को किसी धर्म के साथ जोड़ देना, क्योंकि दरअसल भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की विरासत इतनी व्यापक और इतनी समृद्ध है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों से उसे कोई संकट आने वाला है या वो आहत हो जाने वाली है, इसे मैं अपने आप को बहुत सहमत नहीं पाता। इसलिए मैं पुष्पेंद्र जी के आपके पास आता हूँ कि मनोज जी बड़ी अच्छी बात मनोज जी ने कहा, मेरे मन भी सवाल उठा कि आखिर भगवा आपका अकेला तो है नहीं ना, तो आप लोग इस पे क्यों इतने उद्दलित हो जाते हो?
देखिए अजय भाई, जैसा कि अभी कुलकर्णी जी ने कहा, मुझे तो मतलब हास्यास्पद लग रहा है इतने गंभीर व्यक्ति होकर के ये कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी चीज, अरे कहाँ से छोटी चीज हो गई, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हम हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं, भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो फिल्में हैं वह समाज का दर्पण होती है, समाज के समाज में की हुई कुरूतियां या जो अन्य घटनाएं घटित होती हैं वह रुपैले पर्दे पर प्रदर्शित की जाती हैं। तो क्या रुपैले पर्दे पर यही यह जो पर्दा है वो पर्दा बेपर्दा क्यों किया जा रहा है, मेरा यह प्रश्न है। जो समाज में कुरूति होती है उसको आप प्रदर्शित करिए ना, ये पर्दे को बेपर्दा करने का क्या आपने ठेका लेके रखा है, और आपने भगवा रंग क्यों किया और बेशर्म रंग क्यों कर रहे हो आप, उसमें आप हरा रंग क्यों नहीं किया, आपने दूसरा रंग भी तो कर सकते हो। ये सिर्फ सनातन धर्म को इंगित करते हुए हर कभी फिल्में बनाई जाती हैं, ऐसा क्यों भाई इस प्रकार का इसका जवाब विजय तिवारी सर, ये गलत बात है। ये लगातार ये कुंठित विचारधारा के जो अन्य लोग हैं, अन्य धर्म के जो लोग हैं, वह सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं चलेगा। गृह मंत्री जी ने भी अभी चेताया है और आने वाले समय में भी, इसका जवाब अगर अजय भाई अगर ये फिल्म चलती है या ये जो चरित्र चित्रण किया गया है, इतने गंदे गंदे पोस्टर जो दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में। ये कभी पठान लेके आ जाते हैं, कभी आर्टिकल 15 लेके आ जाते हैं, कभी ये बता देते हैं ब्राह्मण क्रूर है, हिंसक है। मैं बहुत गलत मानसिकता है। उस मुद्दे पर बात करते हैं, विजय तिवारी जी बैठे हुए। विजय भाई, आप लोग ऐसी फिल्में जो जिस आप लोग तो बड़ा एक कला संस्कृति तमाम नाम दे देते हैं, इस तरह की फिल्में आखिर क्यों बना लेते हो आप लोग, क्यों, क्या एजेंडा रहता होगा आप लोगों का कि जो आप कभी जानते हुए कि भगवान रंग किसी को थोड़ा सा उज्जरित कर सकता है, क्यों ऐसी चीजें होती हैं? विजय जी, अजय जी, मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि जिस मुद्दे पर ये बात चल रही है, मैं दोनों ही मानवाद जो हमारे साथ शामिल है, मैं एक से पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी दोनों ने वो गाना पूरा देखा है? शायद अगर देखा है, अगर मैं समझता हूँ जब इतनी बात हो रही है तो देखा ही होगा। मैं अजय जी आपको बताना चाहूंगा कि उस गाने में लगभग जो दीपिका पादुकोण है उन्होंने 8 अलग अलग ड्रेसें पहनी है, और उस पूरे गाने में अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग गाने हैं। अगर हम रंग पे ही जाएंगे तो उसमें हरा रंग भी है, काला रंग भी है, कई अलग अलग कई तरह के कलर उसने पहने हैं, और लास्ट में जहां पर केवल सॉन्ग का म्यूजिक है वहां पर वो केवल एक जो हम भगवा जो वर्त ब्रह्म जिस पे उससे जो पूरा विवाद हो रहा है वहां पर वो पूरी ड्रेस उन्होंने उसकी पहनी हुई है जी। तो अगर वो केवल एक ही ड्रेस पूरे गाने में पहने हुए होते और उस गाने में ये सारी बातें होती तो मुझे लगता है कि ये विवाद होना लाजमी था। अब अगर हम वो 8 कलर की ड्रेस पहने हुए है और उसके ऊपर केवल हम एक कलर जो कि कुछ सेकंड्स के लिए है उस पर हम विवाद कर रहे हैं, भगवान रंग केवल हम उस बात को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इस पे आश्चर्य होता है कि हम केवल एक, या तो हम टारगेट करने के उद्देश्य से ये पूरी चीजें हो रही हैं कि इस फिल्म को हमें टारगेट करना है, और जैसा कि अगर कम कपड़े पहनने की या एरोटिक जो बात आ रही है, देखिए तो ये पहला ऐसा गाना नहीं है, इससे पहले भी कई सारी फिल्में आई हैं जिनमें इस तरीके के वस्त्र पहने गए हैं, इस तरह के कपड़े पहने गए हैं। हाँ, वहां पर अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो अगर आप उस पर सेंसर बोर्ड को अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार का ही सेंसर बोर्ड है, उसके आदमी वही बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मनोज जी का सादा, मनोज जी जब ऐसी चीजें देखिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है उसमें भी तमाम ऐसे लोग बैठते हैं, चूंकि आप लोग तो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उन वो भी तो देखते होंगे कि इसमें क्या हो सकता है, फिर सेंसर बोर्ड अगर उसको अनुमति दे रहा है इसका मतलब वो तमाम उस परीक्षाओं से जो फिल्म गुजरी हुई है ना। अरे निश्चित रूप से, अरे देखिए हमने किसी एक सिस्टम को बनाया हुआ